तृणमूल कांग्रेस की ओर से पूर्व नियोजित कार्यक्रम बंगध्वनि यात्रा के तहत पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में लावदुआ ब्लॉक के गौर बाजार में बंगध्वनि यात्रा के साथ राज्य सरकार की 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि बंगध्वनि यात्रा कार्यक्रम के तहत गौर बाजार के आदिवासी समुदाय के लोगों और दोनों ब्लॉकों के जनता को लेकर यह जुलूस निकालकर जनता के बीच जाकर 10 वर्षों की शासनकाल में मां माटी मानुष की सरकार क्या कार्य किया है इसको बताया जा रहा है और कार्य का रिपोर्ट कार्ड जनता को दी जा रही है। बंगध्वनि यात्रा में कोऑर्डिनेटर हरे राम सिंह, लावदुआ ब्लॉक प्रेसिडेंट सुजीत मुखर्जी, पांडेश्वर ब्लॉक प्रेसिडेंट नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के अलावा दोनों ब्लॉकों के सभापति के अलावा युवा टीएमसी के प्रेसिडेंट समेत भारी संख्या में कर्मी उपस्थित थे। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट। नमस्कार, मंच उपस्थित हमारे जिला कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह जी उपस्थित आछेन, दुई ब्लॉक सभापति नरेंद्र सुजीता उपस्थित आछेन, हमारे जिला परिषद कर्माध्यक्ष चुमकी बौदी, दुई युव सभापति आछे पलाश एवं हमारे संजय, हमारे पंचायत समिति सभापति दुई सभापति मदन दा आछेन एवं श्रीमती आछेन, हमारे प्रधानरा आछेन, हमारे किसान खेत मजदूर सभापति भाई खुबू आछे, गोपीदा आछे जिला नेता और जरा जरा उपस्थित होइछेन। ए ग्रामे महेश्वर बागदी संजय बलाई हरेन काचुदा के उज्जवल प्रणव प्रभात आईटा दिलीप और सोमू छिलो आरो जरा जरा उपस्थित होइछेन। आज भालो लागछे जे दल तरफ थेके ए जे बंगध्वनि यात्रा सब विधानसभा केंद्र आज के होच्छे पांडवेश्वर विधानसभा हेलो हमारे पांडवेश्वर विधानसभा এই বঙ্গধ্বনি যাত্রাটি আমরা গৌরবাজার অঞ্চলে মূলত আজকে করলাম এবং আরো যেটা ভালো লাগছে শুধুমাত্র গৌরবাজারে যারা আমাদের দলের সংগঠক সমর্থকরা আছে তারা সবাই মিলে আজ পায়ে পা মিলিয়েছে। এই মিছিলের পর আমরা একটা প্রেস মিট হবে। বঙ্গধ্বনি যাত্রার মূল লক্ষ্যই হলো যে বিগত 10 বছরে আমাদের সরকার যে উন্নয়নমূলক কাজ সারা বাংলাদেশে করেছে সেটা মানুষের সামনে তুলে ধরা। আমরা চাই নির্বাচনের সময় উন্নয়নের দিকে আমরা এগিয়ে থাকতে চাই, অন্য কোনো ইস্যু না, কে ভালো কাজ করেছে, এই 10 বছরে আমরা কি করেছি, আমাদের প্রতিপক্ষ যারা আছে তারা কি করেছে, এই এই এটা যেন বিচার্য।